अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की कि वो मुझे अपने हाथों से मज़े का पराठा बना के खिलाएं, क्योंकि दो तीन बार ऐसा हो चुका है कि जब मैं सुबह उठी और किचन में गई तो किचन काउंटर पर खुशका भरा नज़र आया। हालांकि अपनी तरफ से तो वो सफाई कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने पकड़ लिया, खुद से पराठा बनाकर खा चुके थे। मेरी दोनों छोटी बच्चियों की तो होम स्कूलिंग चल रही है, तो इसलिए मैं आजकल ज़रा 8:30-9 बजे तक उठती हूँ, और 9:30 गैस चली जाती है और जो आती है 11:15 के करीब। तो मैं इसलिए 11:15 के बाद नाश्ता करती हूँ, और मेरे बच्चे भी तभी नाश्ता करते हैं। लेकिन हस्बैंड जी को चाहिए होता है जल्दी नाश्ता, जो सम टाइम मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये रोटी किसके लिए? खाने के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? खाने के लिए। ये किससे सीखी है? खुद ही से, मजबूरी से। इतनी क्या मजबूरी थी? अच्छा, सुबह जल्दी नहीं उठती मैं इसलिए। शुक्रिया। वाओ, क्या गोल रोटी बन रही है। मैं गोल नहीं खा रहा। हाँ, ये क्या हो रहा है? चपटा खा रहा हूँ। इस तरह तो बीच में से सारी टूटेगी। नहीं टूटती। अच्छा, मेरी तो नहीं टूटी कभी। अब तुमने बोल दिया तो अब शायद टूट गया। वो लग रहा है, वो देखो बीच में से फटने वाली है, साइड से टूट गई है, बीच से। ये देखो जरा, बेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। करता हूँ फिर। साइडें बहुत मोटी है, मैं तो इस तरह की नहीं खाऊंगी। अच्छा खाओ, मैं खा लूंगा। ये देखें, इतनी मोटी रोटी मैंने तो कभी नहीं खाई। बेलना मुझसे चलाया नहीं जाता सी, इसलिए ने मुझे इसको साइड में पतली करें। ये देखिए, इतनी मोटी मेरी साइडें ऐसी होती हैं। और मैंने कभी तुझे पकाते हुए खाया? मुझे साइडें ऐसी, मैं इतनी अच्छी गोल रोटी आपको पतली पतली बना के देती हूं। ये कैसी है? वाह, क्या रोटी बन रही है। आहा, टूट गई। अच्छा, इस तरह से रोटी बनती है। क्या पेड़ा बना? डन, तालियां होनी चाहिए यार। मैं ज्यादा खुशका नहीं लगाती। ये रोटी बनेगी या नहीं बनेगी? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पक जाता ना, ये बड़ा मसला, इसलिए मैं ये यूज नहीं करता। तो इसका मुझे नहीं पता इसका कितना प्रेशर होना चाहिए। नहीं होना, पूछा था एक दफा आपसे, नहीं बताया, तब भी चिपक जाता। मेरे साथ कोई दुश्मन नहीं है। मैं हेल्प करूं? नहीं, बोला है ना जो बन रहा है ना खाएं। वाओ, स्क्वायर पराठा। शौक है ना मेरा खाने का। मुझे साइडों वाला नहीं, पतला, सॉरी पतला चाहिए। साइडों पे बेलना करें इसको। नहीं, वो नहीं मुझसे होता। इस तरह टूटेगी? नहीं टूटती, बनाता नहीं रोज। रोज तीन दिन बनाई है तो रोज पूरी जिंदगी लगा ली आपने? तीन लगा, चार दिन को अब मैं रोज ही कहूंगा ना। और अच्छी बात है, इसलिए बंदा फिर भी अपना बना लेता है। अब ठीक बन रही है वैसे। अभी कितने बजे? 11:30। ये है मेरा नाश्ते का टाइम।
like stupid people. Wow, कितनी अच्छी बनी है अब. थोड़ा ऊपर डालते हैं, नीचे नहीं. मैं बना रहा हूँ ना. साथ चाय भी है. इसे गर्म नहीं करना. शेल्फ नहीं साफ करनी. हाँ ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ता. नहीं मेरे लिए नहीं, ये आप ही करेंगे. आपके लिए ये आप करेंगे. इससे अच्छा तो आप कुछ कर नहीं ना. क्या करें, ये गंदी हैबिट है मेरे में कि जब तक किचन फुल क्लीन ना हो और बर्तन धुले ना हो तब तक मैं नाश्ता या खाना नहीं खा सकती. रोटी बनाते हुए खुश्के का कम से कम इस्तेमाल किया करें और ख्याल रखा करें कि खुश्का ज़्यादा ना फैले और नीचे ज़मीन पर ना गिरे, क्योंकि वो खुश्का पाँव या जूतों के साथ लगेगा और वो पूरे घर में फैलेगा और इस तरह आपको सफाई ज़्यादा करनी पड़ेगी. एक्चुअली मुझे माइग्रेन का भी मसला है और रात को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही तो मैं जल्दी सो गई थी और सुबह मैं लेट उठी हूँ, तो इसलिए आज हस्बैंड जी ने मुझे नाश्ता तैयार करके दिया. जब सब काम आपको खुद करने हैं तो बेहतर है आप किचन साथ साथ क्लीन रखा करें और काम इस तरह से करें कि बाद में आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े. क्रैक को चाहिए मुझे. फुल खस्ता हो गया. नहीं और खस्ता. तो फिर पड़ेगा हम लोगों के आगे. मैं भी इसी तरह ही छोड़ देता हूँ. अभी ऊपर बंद करके चूल्हा एक लग लग के जो क्रैक जलता नहीं है लेकिन पापड़ बन जाते हैं बड़े अच्छे. नहीं अंडा नहीं खाना मैंने. मैं तो यहीं से रख खा रहा हूँ. नहीं इधर अंडा जाए रख लेता हूँ. मुझे आदत नहीं, मैं बैठ के खाती हूँ आराम से बैठ के. मेरे लिए स्टूल के ऊपर इस शेल्फ के साथ बड़ी जबरदस्त हाइट मिलती है, सही लगी. वो टेबल जो है वो मुझे ऐसे होना पड़ता. चलते हैं अपनी चाय. तुमने जो आधा कप ज़्यादा रखा था किस चीज़ का? वो क्या है वो? हाँ वो भी देखते. चाय पोनी का इस्तेमाल मैं नहीं करती क्योंकि धोनी तो खुद ही होती है तो इसलिए इतने नखरे मुझसे नहीं किए जाते. मेरा पराठा. वाओ नाइस. चाय और पराठा. शादी के 24 साल बाद भी क्या आपके हस्बैंड आपको इस तरह से पराठा बना के देते हैं? मैं अपने हस्बैंड के हाथ का करें. नहीं मज़े का लग रहा है. ओके जी अल्लाह हाफिज़.